नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के सप्ताह की और जानने की कोशिश करेंगे कि सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों का राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 26 अप्रैल से 2 मई वाले सप्ताह में 27 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के नाम से मनाया जाता है, तो हनुमान जी का जन्मोत्सव 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आपको धन का, उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता दिख रहा है और आपके रुके हुए काम भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही अभी मत करिए। ये बात ठीक है कि आप पहले से ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन सेहत को लेकर के अभी भी लापरवाही ना करें। नौकरी जो लोग प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए लाभ का सप्ताह है और इस सप्ताह में आपको नए अवसर भी निश्चित रूप से मिल सकते हैं। मेष राशि वालों को इस सप्ताह में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, वही उनके लिए ठीक रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। किसी यात्रा के साथ, लाभ के साथ, धन लाभ के साथ सुंदर यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और बहुत सारे फायदे भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। ये सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया होगा। अगर कोई रिजल्ट आते हैं, अगर कोई परिणाम आते हैं तो आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में अविवाहितों का विवाह भी तय हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में वृषभ राशि वालों को अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं करिएगा जिससे परिवार का माहौल खराब हो, परिवार में बेवजह के विवाद हो। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। परिवार में किसी परिजन का सेहत बिगड़ सकती है या परिवार में किसी का स्वास्थ्य, आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं। बहुत चिंता मत करिए क्योंकि स्थितियां आपकी 27 तारीख से बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह में धन की स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं और आगे चल करके आपका स्वास्थ्य भी बेहतर दिख रहा है। इस सप्ताह में धन के आगमन के संकेत अच्छे हैं, लेकिन इस सप्ताह में रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, नज़दीकी रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों को डील करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। मिथुन राशि के जो लोग नौकरी करते हैं खास तौर से, उनको इस सप्ताह में अप्रेजल, इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है और अगर कारोबारी है तो कारोबार में सप्ताह के अंत में लाभ होने की संभावना बन रही है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत सामान्य है आपके लिए, कोई खास मुश्किल नहीं है। छोटी मोटी यात्राओं के थोड़ी व्यस्तता के संकेत जरूर दिख रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसी सूचना आपको इस सप्ताह में मिले जिससे आप बेवजह तनाव में आ जाए, लेकिन तनाव मत पालिए क्योंकि इस समय चीजें निगेटिव नहीं होंगी। थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, अभी करियर में कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है और जीवन में नए लोगों का जुड़ाव होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। आपके रुके हुए काम भी सप्ताह के अंत तक निश्चित रूप से पूरे होंगे और अगर आप विवाह के लिए या संतान के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत धन की प्राप्ति के साथ अच्छे संकेत दिखा रही है और सप्ताह की शुरुआत में कुछ नई खरीदारी, कुछ नई मार्केटिंग, जैसा भी आप करेंगे ऐसा लग रहा है। इस सप्ताह में धन की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन आपको धन के खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा ताकि आगे आने वाला समय आपका ठीक रहे। सर्दी जुकाम से, वायरल फीवर से, कोल्ड कफ कंजेशन से बचिएगा, सिर्फ इतनी ही समस्या है, कोई बड़ी बीमारी होने की समस्या नहीं दिख रही है। सप्ताह के अंत में संतान की उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा, संतान की तरक्की होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए निसंदेह अच्छी है और आपके बहुत सारे काम इस सप्ताह में पूरे होंगे। बहुत सारे निर्णय आप ऐसे लेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं।
इस सप्ताह में धन का आगमन भी अच्छा बना हुआ है और रुके हुए काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अपने रिश्तों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें और सप्ताह के अंत में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दें। कन्या राशि के जो लोग करियर को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से, व्यर्थ के तनाव से बचना होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, उसे पूरी ईमानदारी से करें, काम में लापरवाही ना करें, वरना ये मौका आपके हाथ से जा सकता है। इस सप्ताह में संतान पक्ष पर विशेष ध्यान दें, संतान को लेकर के चिंताएं करें थोड़ा ध्यान दें, उनकी चिंता होना स्वाभाविक है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस समय चिंता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में संतान को लेकर तकलीफें बढ़ सकती हैं। तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि धन की स्थितियां आपकी मध्यम बनी हुई हैं और उसको लेकर के बहुत चिंता मत करें, धीरे धीरे धन की स्थितियां आपकी बेहतर होती जाएंगी। इस सप्ताह में परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत धन की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छी है और धन की प्राप्ति भी हो रही है, रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं और आपको नए काम के अवसर भी सप्ताह की शुरुआत में मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य बेहतर होने के बावजूद अभी पूरी तरह से आप लापरवाही नहीं कर सकते। इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के सावधानियां आप बनाए रखिएगा, खासतौर से अपना और अपने जीवन साथी का। इस सप्ताह में कोई मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नए मौके मिल सकते हैं और ये मौके लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन इस सप्ताह में मिलता हुआ दिख रहा है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है, रुका हुआ काम तुरंत पूरा होगा, स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं और धन की प्राप्ति भी आपके लिए सुंदर बनी हुई है। इस सप्ताह के अंत में छोटी यात्राओं की संभावना है, किसी यात्रा पर आप जाएंगे, इस तरह के संकेत इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में प्रेम के मामलों में और रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो सकती है और अगर कोई विवाह संबंधी मामला है, कोई कारोबार संबंधी मामला है, तो उसको शांति से निपटाइएगा, बेवजह क्रोध करके अपने करियर में मुश्किलें मत बढ़ाइएगा। मकर राशि, सप्ताह बहुत ही अच्छा है और इस सप्ताह में आपको धन और उपहार दोनों मिलेगा। इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में मकर वालों को सफलता मिलेगी और सप्ताह बहुत आनंद से बीतता हुआ दिखता है। लगता है इस सप्ताह काफी छुट्टियां मिलने वाली हैं आपको, इसको लेकर के आप मौज मजे से रह पाएंगे। इस सप्ताह में शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों को, कारोबारियों को बड़े धन का फायदा भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में मकर राशि वालों को वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी है और व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मानसिक चिंता और तनाव के साथ दिख रही है। ऐसा लगता है कि इमोशनली मेंटली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बेवजह की चिंताएं ना करें, बेवजह का तनाव मत पालें, क्योंकि चीजें आपकी 27 तारीख से बेहतर हो जाएंगी। धन की प्राप्ति सप्ताह में अच्छी बनी हुई है और इस सप्ताह में आपकी जिम्मेदारियां और काम दोनों बढ़ेगा, उसका प्रेशर आपके काम पर आता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से खान पान का, और व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ का वहम मत पालिएगा। इस सप्ताह में जैसा मैंने पहले भी कहा कि धन की स्थिति अच्छी है, काम की स्थिति भी अच्छी है, इसलिए व्यर्थ का मानसिक तनाव पालना ठीक नहीं होगा। जितना समय पूजा उपासना में इस सप्ताह में देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत मध्यम है और इस सप्ताह में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। धन की स्थितियां इस सप्ताह में आपकी अच्छी हैं और कारोबार में, नौकरी में धीरे धीरे आप सेटल हो रहे हैं। कारोबार की, नौकरी की मुश्किलें आपकी दूर होती चली जा रही हैं। इस सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की उन्नति या संपत्ति से संबंधित लाभ होने की संभावना बनती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि चारों तरफ वायरस फैल रहा है, लोग बीमारियों से परेशान हैं, तो इस समय आत्मबल को मजबूत करने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीमारियां जो होती हैं वो पहले मन में होती हैं, फिर शरीर में होती हैं।
तो आत्मबल को मजबूत करें आप, और उसके लिए जिस भी देवी देवता की, गुरु की या इष्ट देव की आप पूजा करते हो, उनके मंत्र का जप करें, उनका ध्यान करें, और अगर संभव हो सके तो सप्ताह में दान भी करें। इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप तमाम तरह के संक्रमण से बचे रहेंगे। तो प्लैनेट पांडे की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।